गाइस गुड इवनिंग। और फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और मैं अभी सेक्टर 15 में हूं, पेट्रोल पंप जा रहा हूं डीजल डलवाने। और मेरा जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही था, मतलब 600-700 किलोमीटर ही मैं सोच रहा था और 605 किलोमीटर कार चली है अभी तक। जो डीजल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ये दिखा रहा है कि कार अभी जो चलेगी वो चलेगी 134 किलोमीटर, तो इतना ही, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था उस टाइम डीजल। तो ये कह सकते हैं कि 3,000 रुपये का डीजल लगा, टोल मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वन साइड टोल ये कह सकते हो कि मे भी हो सकता है 600-700 लगाओ। और जो हम तीन लोगों का जो खर्चा है वो आया है अप्रोक्स 13,000-14,000 अप्रोक्स बता रहा हूँ, अभी कैलकुलेट नहीं किया, तो क्योंकि दो दिन होटल स्टे था एंड फूड एंड ऑल, वहाँ पे फिर ई रिक्शा ये सब चीज़ बता रहा हूँ मैं मिलाकर कि अप्रॉक्सीमेटली 13,000-14,000 रुपये लगा है। और मुझे लगता है ठीक है क्योंकि कार से गए थे हम खुद, 3,000 का डीजल हो गया, 1,500 का तो फास्ट टैग हो गया, तो 4,500 तो यही हो गए, बाकी खाना पीना एंड ऑल थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई। तो बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया और थक चुके हैं। आते हुए हम हवेली रुके हुए थे, वहाँ पर हमने ब्रंच किया था, तो एक नंबर फूड छोले भटूरे और अमृतसरी नान, आय हाय क्या बताऊं मैं आपको, एक नंबर टेस्ट था उनका ना। तो देखो, और मतलब रात भी मैंने दिखाया आपको नाइट टाइम अमृतसर की क्या व्यू आता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत ज़्यादा रश था, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक ताज रोड पे। जब से हम अमृतसर से निकले थे, हम निकले थे 12:30 बजे और अब बज रहे हैं 5:15, तो देख लो अब आप कि ऑलमोस्ट जो है 5 घंटे मिनिमम लग गए। तो अदरवाइज नेविगेशन पे दिखा रहा था कि 4 घंटे लगेंगे, बट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। मैं ब्रंच को हटा के बता रहा हूँ कि इतना टाइम लगा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा था, बीच बीच में बारिश भी हुई थी लुधियाना के पास, जालंधर के पास। और ध्यान रखना है लुधियाना से पहले हाईवे पे बहुत वाइड हाईवे है एक न्यूली बिल्ड, वहाँ पे स्पीडोमीटर लगा हुआ है, तो ध्यान रखना 90-100 पे ही रखना स्पीड, उससे अबव मत करना नहीं तो हमारी तरह चलान हो जाएगा आपका भी। और बाकी तो सिर्फ एक ही जगह दिखा हमें स्पीडोमीटर, या तो हो सकता है इंडिपेंडेंस डे की वजह से, या फिर हो सकता है वहाँ हमेशा ही जो है स्पीडोमीटर लगाओ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप आओ जाओ। और दो दिन में हमारा पूरा ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो गया, नकोदर अमृतसर बाघा बॉर्डर, तो वर्थ था, फुल इंजॉय किया हम लोगों ने। अब देखते हैं, वैसे आज हमारा प्लान था डलोजी निकलने का, क्योंकि मैंने कहा कि दो दिन और ऑफ है तो डलोजी चलते हैं, बट वहाँ पे 100% रेन दिखा रखा है, तो मैंने सोचा कि रेनी सीजन में यार थोड़ा सा रिस्की रहता है वहाँ पे जाना, क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत हो रही हैं आजकल और आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों पे। तो हमने कहा चलो थोड़े दिन बाद उसका प्लान करेंगे, बाकी देखते हैं 2nd अक्टूबर के आसपास प्लान करेंगे कहाँ जाते हैं कब तक। और सेकंड चीज़, अभी अभी मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया दिल से, इसी तरह सपोर्ट करते रहो, वीडियोस को लाइक करते रहो। मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye.
Yeah!